शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। रुको, 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 रुको। राजकुमार और वो भी बस स्टॉप पर। वाह क्या बात है। तू फिर आ गई? हाँ मैं। वैसे तुमने मुझे जेल भिजवाने का पूरा इंतजाम कर दिया था। मैंने क्या किया? अच्छा क्या किया? वो गाड़ी तुम्हें तुम्हारे बाप ने दी थी जो तुमने मुझसे कहा ले जाओ। नो प्रॉब्लम आई मीन इट। एंड यू नो गाड़ी? हाँ ओ, वो गाड़ी। अरे आपने मुझे बोलने का मौका कहाँ दिया। मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो गाड़ी मेरी नहीं है, किसी और की है। ए, राग पट्टी नहीं बेटे, तू जितना भोला बनता है ना उतना है नहीं। ए, तमीज से। हाँ हाँ तमीज से ठीक है। मैंने एक से एक चोर लफंगे मवाली गुंडे देखे हैं। अरे मैंने तो क्या, आप लोगों ने भी देखे होंगे, क्यों नहीं है ना। लेकिन आप में से किसी ने ऐसा कोई फंटर देखा है जो लड़की पटाने के लिए चोरी की गाड़ी गिफ्ट में दे दी? इतनी बकवास करी जा रही है तू। मैंने तुम्हें पटाने की कोशिश कब की? तूने मुझे गाड़ी के सामने खड़ा क्या देख लिया? और तुझे गलत फहमी होगी कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। मुझे फंटर कहती है? फंटरी? फंटरी किसको बोलता है? बिहेव योरसेल्फ। अरे जान दे तमीज, इतनी देर से मेरी इज्जत का जो तमाशा बना रखा था उसका क्या? अरे तुम तो मुझसे भी बड़े ड्रामेबाज निकले। देखिए मैडम, मैं एक मामूली क्लर्क का लड़का हूँ और बेरोजगार हूँ, नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक कप कॉफी पिला सकता हूँ। समझ गए, ठीक है कॉफी ही पी लेते हैं। चलिए। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? देख रही हूँ सच्चाई की जीती जागती तस्वीर को जो मेरे मन की गहराइयों तक उतर गई है। राजा तुमसे मिलकर आज मेरा यह भ्रम टूट गया है। आदमी के लिए दौलत ही सब कुछ नहीं होती, रिश्तों को प्यार और विश्वास के धागों से बुना जाता है। प्यार और विश्वास, यही तो जिंदगी है मधु। राजा चमकी होने लगी बरसा, बादल गरजा बिजली चमकी होने लगी बरसा। करनी है जो हमको करनी है जो हमको करने दे वो बात। बादल गरजा बिजली चमकी, नहीं।
गई है मेरी आंखें। मिस्टर सहाय से दो कदम आगे निकली, ये अकाउंट्स की गड़बड़ हम कहां से ठीक कर पाएंगे? मैं तो ये सोच रहा हूं कि जब इस इंसाफ की देवी को हमारे प्लान का पता चलेगा तब क्या होगा, तब तो ये हमें ऐसा लपेटेगी। सच्चाई तो उसे अपने बाप से विरासत में मिली है, सहाय ने तो अपनी जान देकर कीमत चुका दी, अब इस वर्षा का क्या होगा? जो कुछ भी करना है जल्दी करो, वरना ये हमें पागल कर देगी। मिस्टर सूद, अभी आपने क्या कहा? पागल कर देगी, पागल। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? वर्षा की बीमारी मिस्टर सहाय से कुछ अलग है, इसलिए उसका इलाज भी कुछ अलग होगा। और वो इलाज मैं समझ रहा हूं सेठी। आप लोग ये पहले क्यों बुझा रहे हो? साहब कहो ना। आपको भी पता चल जाएगा मिस्टर सूद, हम वर्षा की पहचान एक नई दुनिया से कराएंगे। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, अरे पीछे करो नीचे करो ऊपर हाथ ऊपर करो नीचे, अरे लाइट। अरे यार जल्दी से डॉक्टर को ढूंढो। लो वो आ गया डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर। हेलो, मैं राना, ये मिस्टर सूद और मिस्टर सेठी। हेलो हेलो डॉक्टर, आइए मेरे साथ अंदर आइए, कम इन, सिट डाउन। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। आप में से पेशेंट कौन है? उसे हम अपने साथ नहीं लाए, वो क्या है कि दरअसल डॉक्टर, पहले मरीज के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं। सवाल जवाब नहीं, यहाँ ये सब नहीं चलता। आप आइए उस कमरे में, अहमद शॉक ट्रीटमेंट तैयार करो। है? शॉक ट्रीटमेंट? लेकिन डॉक्टर मैं मरीज नहीं हूँ। लगते हैं शक्ल से ही पागल लगते हैं। अरे आपको शॉक ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। आप समझ ले जाओ ना। आप समझे नहीं डॉक्टर। देखो ये मजाक का वक्त नहीं है, वो पागल है, उसका ट्रीटमेंट करना है मुझे, मिला के शॉक देना। ये चुप। अरे रोज रोज डॉक्टर के कपड़े पहन के पेशेंट ढूंढता है। टिकट तरी माखाली, 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 टिकट तरी माखाली। अरे अजीब जगह है भाई, यहाँ के तो डॉक्टर भी पागल है। अरे ये डॉक्टर नहीं पागल था, पागल। ओहो
अच्छा वो ये लोग सही वक्त पर आ गए, वरना ये तो मुझे शॉक देने वाला था। ये डॉक्टर भाटी का बच्चा है कहाँ? लो, एक और पागल डॉक्टर आ रहा है। अरे क्या भरोसा, ये भी पागल हो सकता है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। अरे नहीं नहीं, इसको तो नर्स ने गुड मॉर्निंग कहा है। हो सकता नर्स भी पागल हो। हेलो जेंटलमैन, आई एम डॉक्टर भाटिया। डॉक्टर भाटिया, थैंक गॉड आपको ढूंढते ढूंढते हम तो परेशान हो गए। आइए प्लीज कम इन। आइए चलिए, आइए आइए। हाँ तो डॉक्टर, कुछ दिन पहले हमारे एक बिजनेस पार्टनर मिस्टर साहे के एक हादसे में मौत हो गई। मिस्टर साहे की इकलौती बेटी है वर्षा, जो अमेरिका में रहती है। उन दिनों वो यहां छुट्टियों में आई हुई थी और ये हादसा हो गया। बेचारे अपने बाप से बहुत प्यार करती है, बाप की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। इन दिनों अजीब अजीब हरकतें करने लगी है। जैसे डॉक्टर, वो अचानक फैक्ट्री में आकर वर्कर्स को डांस करने के लिए कहती है, और उस रोज उसने एक बेचारे बूढ़े वर्कर को सर पर मार दिया। वो हमें देखते ही चीखती चिल्लाती है, कहती है कि हमने उसके साथ धोखा किया। धोखेबाज समझती वो, और मुझे तो वो पागल समझती है। फैक्ट्री में खुद तोड़फोड़ करती है और लपेटती मुझे, कहती है सूद साहब आपने ये क्या कर दिया, ये तोड़ दिया, ये फोड़ दिया। हाँ डॉक्टर, आजकल वो हम पर तरह तरह के इल्जाम लगाती है। देखिए डॉक्टर, अकेले में तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सारे वर्करों के सामने, यू अंडरस्टैंड? यस आई अंडरस्टैंड। देखिए जब भी उन्हें दौरा पड़े आप मुझे खबर कर दीजिए, मैं तुरंत देखने आऊंगा। बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द मैं आपको खबर कर दूंगा। आप यहां कब तक होते हैं? अच्छा डॉक्टर, जब भी उसे दौरा पड़ेगा हम आपको खबर कर देंगे। जरूर। ड्राइवर कैसी गाड़ी चलाते हो तुम? ओह गॉड, आई एम सॉरी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आई एम टेरिबली सॉरी, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं बेटी, गलती मेरी ही थी। आप लोग जाइए, भाई लोग जाइए, जाइए अपना अपना काम कीजिए, जाइए। थैंक यू। संभल के, संभल के। ये आपका पैर? देश को दे दी। मैं मेजर था, खुशवंत सिंह शर्मा, लेकिन आजकल तो लोग मुझे खुशु लंगड़ा कहकर बुलाते हैं। देश के लिए लड़ते हुए मैंने अपनी टांग गंवा दी। अरे संभाली। मुझे पता है, दो दिन बाद बेहोशी की हालत में मैं जवानों को मिला था। मैं लापता हूँ और मुझे खोजा जा रहा है। यह खबर सुनकर मेरी माँ स्वर्गवासी हो गई। मेरे पिताजी तो मेरे जन्म के पहले डाकू वकील सिंह के हाथों मारे गए, लेकिन मुझे देश ने क्या दिया? मामा जी, आप ठीक तो है ना? मैंने सुना आपका एक्सीडेंट हो गया। मुझे कुछ नहीं हुआ बेटी, मैं इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। यह है मेरी भांजी मधु, बस यही एक जिम्मेदारी मेरी इकलौती बहन छोड़ गई है मुझ पे, इसकी शादी। इसकी शादी हो जाए तो मैं इस दुनिया को अलविदा कह दूं। नहीं मामा जी, ऐसा मत कहिए, आपके अलावा मेरा कौन है इस दुनिया में? मैं मेजर सुखवंत सिंह, अपनी भांजी की शादी के लिए 25,000-50,000 रुपए भी नहीं जुटा सकता। लानत है मुझ पे, इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद। मेजर साहब, आप निराश मत होइए, हिम्मत मत हारिए आप। ड्राइवर, मेरा बैग लाना जरा। जी मैडम। आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। आप? जी हाँ। आप इतनी बड़ी रकम देंगी, ना जान ना पहचान? तो क्या हुआ, क्या इंसानियत के नाते मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? मेरे डैडी कहा करते थे कि पैसे तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन सही इस्तेमाल वही करता है जो अक्लमंद हो।
ये लीजिए। धन्य है आपके डैडी को, धन्य है आपको। ऑल द बेस्ट भगवान। अच्छा, थैंक यू। ऐसे इंसान भी जिंदा है इस दुनिया में। ₹50,000। ये गाड़ी में रख। जी मैडम। नमस्ते मैडम। ओह नमस्ते। पेपर्स लाए हो? जी ला। तुम्हारे बाबूजी के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। ये बात साफ जाहिर हो चुकी है कि उन्हें बेवजह फैक्ट्री से निकाला गया है। अगर वो चाहे तो उन्हें वापस फैक्ट्री में। मैडम फिलहाल तो हमें पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी बहन की शादी है, आप मुझे बाबूजी के ट्रस्ट फंड वाले पैसे दिलवा दीजिए बस। वो तो हो जाएगा, लेकिन मैं जो तुम्हारे बाबूजी के बारे में कह रही थी जी, वो बीमारी की वजह से वो काफी कमजोर हो चुके हैं, इसलिए इस हालत में उनके लिए काम करना जरा मुश्किल होगा। आई अंडरस्टैंड, मगर हम मिस्टर चंद्रप्रकाश जैसे वफादार वर्कर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। अगर वो नहीं तो उनकी कुर्सी पर उनके बेटे राजा को बिठाना पड़ेगा। आप मुझे नौकरी देंगी? जी हाँ। तुम पहले जाकर हमारे फैक्ट्री के लॉयर मिस्टर सक्सेना से फंड की पेपर्स की बात कर लेना। जी मैं उन पर साइन कर दूंगी। वैसे मैंने फोन पर उनको सब समझा दिया है। जी बहुत अच्छा। मैं पहले तुम्हें फंड के पैसे दिलवा दूं, तुम्हें अपनी बहन की शादी की तैयारी भी तो करनी है ना। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेरी वेलकम। ये आपकी मशीन गन ठीक है? ठीक ये है। मशीन गन नहीं है तो ये गन है। गन 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 ठीक चलती है? चलती है। बैंक में सब कारोबार ठीक ठाक है ना? ठीक है। वो क्या है कि मैं पहली बार इस बैंक से लेन देन करने आया हूँ। अच्छा। एक्सक्यूज मी प्लीज। नोट जरा देख कर दीजिएगा। 50,000 रुपए है ना, इसलिए। अरे मधु सारी नोट है 100-100 की लेना है। वो बात क्या है कि इतनी सारी 100-100 की नोटें मैं जिंदगी में पहली बार देखूंगा। आप अपना काम कीजिए। भाई साहब आप बता सकते हैं कि 50,000 के 100-100 के नोट इसमें आ जाएंगे? मेरा मतलब है कि 100-100 रुपए के 50,000 के नोट इसमें। आता हूँ। एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी मैडम, आपको पेमेंट नहीं मिल सकता। क्यों? अरे ये चेक तो वर्षा सहाय का दिया हुआ है। वर्षा सहाय का दिया हुआ है? वो मिस्टर रमाकांत सहाय की लड़की। रमाकांत सहाय की लड़की है वो? आपका ये चेक कैंसिल हो चुका है, स्टॉप पेमेंट का ऑर्डर हो चुका है हमें। प्लीज आई एम सॉरी। तो क्या आपके पास पैसे नहीं है क्या? है मामा ये चेक कैंसिल हो चुका है। लेकिन कैंसिल कैसे है? क्यों क्यों कैंसिल हुआ? ये तो वर्षा जी से मिलकर ही पता चलेगा। वर्षा जी फ्रॉड, चीटिंग, चीटिंग करते हैं 420, वो भी हम जैसे ऑनेस्ट आदमी से। चलो वर्षा जी के पास कम। अरे ये क्या कर रहे हो राणा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या हो रहा है सेठी? ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? मुझे पीट क्यों रहे हो? क्या किया मैंने? Oh my God! Rekha, what's going on here? ये सब क्या हो रहा है? Why are you ruining this office? What's happening? Stop it! I said stop it! Mr. Sood, वर्षा जी को पागलपन का दौरा पड़ा है। What? सूद साहब आप समझ रहे हैं, वर्षा पागल हो गई है। समझा आप? वर्षा जी पागल हो गई है। क्या मैं पागल हो गई हूँ? मैं पागल हो गई हूँ? तो खेल ये है, वर्षा जी को पागल करार देना है। What? What rubbish? वर्षा जी पागल हो गई है। छोड़ दीजिए मुझे। तुम्हें छोड़ देंगे तो फिर दोबारा तोड़फोड़ करोगे तुम। चलो। मैं तोड़फोड़ करूंगी? दिमाग खराब हो गया आप लोगों का? छोड़ दीजिए मुझे। कोई है? छोड़ दीजिए मुझे। वर्षा तुम्हें क्या हो गया? मुझे क्या हो गया?
क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ? क्या बकवास कर रहे हैं आप? डॉक्टर को बुलाओ। शांत हो जाओ वर्षा। अरे डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब आइए, आइए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर। देखिए डॉक्टर साहब, बेचारी पागल हो गई है। ये ऑफिस की हालत देखिए, मेरे जबड़े की हालत देखिए। अगर ये दोनों नहीं आते तो मुझे तो लपेट लिया था। व्हाट नॉनसेंस, शट अप। ये सब झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। ये तोड़फोड़ मैंने नहीं की है। सूद साहब को मैंने नहीं मारा। ये सब इन लोगों की साजिश है डॉक्टर साहब। मैंने कुछ नहीं किया। बस करो बेटी बस। डॉक्टर साहब इसे, डॉक्टर साहब आप मेरी बात तो सुनिए, ये इनकी साजिश है। आप मेरी बात तो सुनिए। सब ठीक हो जाएगा। चलो